गाइज गुड मॉर्निंग कैसे हैं आप आई होप आप अच्छे हैं और मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ तो मॉर्निंग हो गई है और मेरी मॉर्निंग आपने देख लिया होगा कैसे शुरू होती है मेरी मॉर्निंग होती है ये पानी से मैं गुनगुना पानी मॉर्निंग में पीना प्रेफर करती हूँ क्योंकि मेरी प्रेगनेंसी की वजह से मेरा वेट थोड़ा सा ज़्यादा गेन हो चुका है एज आपको दिखता है तो उसको थोड़ा सा कम करने के लिए मैं मॉर्निंग में सोचती हूँ गुनगुना पानी पीऊँ तो मैं गुनगुना पानी से अपना मॉर्निंग शुरू करती हूँ तो गॉइज आज का वीडियो आपने एज एन टाइटल में पढ़ ही लिया होगा कि आज का वीडियो किस चीज़ पर है आज का वीडियो है क्विक ब्रेकफास्ट के लिए क्योंकि हम हाउसवाइफ जो होती हैं जो घर पे कुकिंग करती हैं उनके लिए सबसे ज़्यादा यू नो चैलेंजिंग होता है कि मॉर्निंग में क्विक ब्रेकफ़ास्ट कैसे दें क्या परोसें तो ये जो ब्रेकफ़ास्ट जो मैंने आपको शेयर करने वाली हूँ आगे वीडियो में वो आपकी प्रॉब्लम थोड़ी सी कम कर देगा क्योंकि वो बहुत ज़्यादा क्विक बन जाता है और बहुत आई थिंक uh, मतलब अगर हेल्दी भी रहता है क्योंकि हम उसमें ऑयल बहुत कम यूज़ करते हैं जस्ट फॉर ग्रीजिंग वगैरह के लिए यूज़ किया जाता है तो आप अगर चाहें तो सुबह में ये अपने बच्चों के लंच में या ब्रेकफास्ट में दे सकते हैं जो बहुत प्यार से खाएंगे तो चलिए फ्रेंड्स हम देखते हैं इसकी रेसिपी क्या है और कैसे बनती है गेट के दोस्तों यहाँ पे मैं नहा ली हूँ नहा के मैं यहाँ पे पूजा करने के लिए आई हूँ क्योंकि अगर मैं मॉर्निंग में नहीं नहा पाती हूँ तो मुझे बहुत देर हो जाती है क्योंकि मेरे पास एक छोटी बेटी है अगर वो उठती है तो उसके बाद मुझे पूरा ध्यान उस पर रखना पड़ता है क्योंकि अगर उस पर ध्यान ना देना तो वो कहीं कहीं गिर जाती है फिर पूरे दिन की मुसीबत हो जाती है तो इसीलिए मैं सोची कि रेसिपी शेयर करने से पहले मैं नहा के भगवान को पूजा कर लेती हूँ फिर आपसे जा रेसिपी शेयर करती हूँ तो मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग की मॉर्निंग हो गई है और सुबह सुबह इसको मिल गया है बलून जिसका मूड बहुत अच्छा है अभी तो मैं चलती हूँ किचन की ओर और आपसे शेयर करती हूँ आज की रेसिपी तो हमें सैंडविच बनाने के लिए चाहिए दो आदमी के हिसाब से आठ ब्रेड तो मैंने ये मैदा वाला ब्रेड लिया है आप चाहे तो आटे वाला ब्रेड भी आता है वो ले सकते हैं फिर मैंने ये यूज़ किया है गोल की पाउडर आप चाहे तो साबुत गोल की को भी ऐसे क्रश करके डाल सकते हैं या फिर आप ये पाउडर यूज़ करें नमक स्वाद अनुसार फिर हम डालेंगे इसमें गाजर ग्रेट करके फिर हम ऐड करेंगे कैप्सिकम एंड फिर अनियन अनियन अपने हिसाब से ज़्यादा या कम ले सकते हैं तो हम यूज़ कर रहे हैं वेज मियोनीस आप चाहें तो एग वाला भी यूज़ कर सकते हैं एंड टमेटो केचप ही ये मैंने किसान का लिया है आप चाहिए तो कोई भी ब्रांड का यूज़ करें तो ये है मेरी रेसिपी तो चलते हैं बनाने की ओर तो दोस्तों ये मैंने ऑनियन को छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है मैं ऐसे लंबे-लंबे टुकड़े काटती हूँ आप चाहो तो बारीक टुकड़े काट सकते हैं क्योंकि बहुतों को ये लंबे-लंबे टुकड़े पसंद नहीं होते हैं तो इसीलिए आप इसे बारीक बारीक टुकड़े में भी काट सकते हैं तो मैं आगे आपको बताऊंगी कि कैप्सिकम को आप कैसे काटें जो बहुत ईज़िली निकल जाए तो कैप्सिकम के आगे और पीछे वाले हिस्से को हम ऐसे काटते हैं और साइड के स्लिट्स को जो अंदर होते हैं उसको ऐसे काट दोगे तो बहुत क्लीन से निकल जाता है ये देखिए मुझे आपसे और एक बात करनी है कि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो प्लीज़ इस वीडियो को सिर्फ देखिए मत उसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि ये सब मेरे लिए अभी बिल्कुल नया है और मैं अभी धीरे धीरे सीख रही हूँ तो मैं आ, आगे जा के आपको वीडियोस में और इम्प्रूवमेंट मिलेगा न, क्योंकि मेरे लिए अभी सच में वो सब कुछ बहुत न्यू है तो आई होप आप मेरी बात समझ सकते हैं तो मैंने ये सारे वेजिटेबल्स ऐसे करके काट लिए ये गाजर को मैं ऐसे ग्रेट कर लेती हूँ क्योंकि ग्रेट किए गाजर ज़्यादा अच्छे लगते हैं मुझे कटे हुए नहीं अच्छे लगते तो इस तरह से कुछ वेजीज मेरी कट चुकी है अब आगे चलिए यहाँ पे हम ऐड कर रहे हैं इसमें नमक स्वाद के अनुसार इसमें अब ऐड करेंगे हम वेज मेयोनीज हम थोड़ी मेयोनीज ज़्यादा खाते हैं आप अपने टेस्ट के अनुसार म्योनीस ज़्यादा या कम ऐड कर सकते हैं बहुत कोई वेजीज ज़्यादा खाना पसंद करते हैं और लेकिन मुझे पर्सनली म्योनीस का टेस्ट ज़्यादा अच्छा लगता है तो मैं थोड़ी म्योनीस ज़्यादा डालती हूँ फिर मैंने इसमें ऐड करा वन स्पून के हिसाब से वन टेबल स्पून के हिसाब से टमाटो केचप और अब मैं ऐड कर रही हूँ ये ब्लैक पेपर पाउडर और जैसे कि मैंने आपको बताया था अगर पाउडर नहीं है आपके पास तो जो साबुत ब्लैक पेपर होता है उसको क्रश करके आप डाल सकते हैं ये खड़ा चला गया था अंदर अब ऐड करें कि हम इसमें ये और एक गैनों जो हम पिज़्ज़ा या पास्ता में यूज़ करते हैं इससे टेस्ट इन्हेंस हो जाता है तो ये हमारा बैटर कुछ इस तरह से दिखेगा जब आप सब कुछ इसमें ऐड कर लेंगे तो अब ये हमारा बैटर को अच्छे से हमने मिक्स कर दिया है और अब चलेंगे हम फिलिंग की ओर कि हम कैसे फिल करते हैं अब हम इस ब्रेड पर ये फिलिंग्स जो है उसको स्प्रेड कर देंगे हल्का हल्का सा पूरे ब्रेड में धीरे धीरे अच्छी मतलब कि आपके पास जितना बैटर है आप चाहो तो हल्का हल्का भी लगा सकते हो या फिर भर सकते हो जिससे मतलब अपने ना टेस्ट के अकॉर्डिंग ये आप ज़्यादा कम कर सकते हो और ये देखिए पीहू को अब हमने इसके ऊपर सैंडविच बना दिया है अब ऐसे ही हम अपने सेकेंड वाले के लिए मैं ये बता रही हूँ कि आप अगर मैंने फ़र्स्ट में ऐड नहीं किया था बटर अब मैं सेकेंड वाले में दिखा रही हूँ कि आप ऐसे बटर ऐड कर सकते हो उसके बाद आप बना सकते हो जो ज़्यादा फिटनेस फ्रीक हैं वो बटर ऐड ना करें बट हम खाते हैं तो इन सुबह में थोड़ा सा बटर ऐड करते हैं जैसे टेस्ट थोड़ा सा और इन्हेंस हो जाता है तो ये मेरा सेकेंड सैंडविच भी ऑलमोस्ट रेडी है अब मैं इसे क्लोज करूँगी और उसके बाद इसे सैंडविच मेकर में डालकर ग्रिल करूँगी तो ये मैंने ओपन किया अपना सैंडविच मेकर अब मैं इससे थोड़े से हीट हीट जो हो चुका है अब मैं इसमें बटर बटर को ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा क्योंकि वो चिपक जाएगा तो आपको थोड़ा सा ऑयल या थोड़ा सा बटर ऊपर और नीचे वाले पोर्शन में लगाना होगा ग्रीजिंग के लिए एंड अब हम इसमें दो सैंडविच आराम से आ जाते हैं तो मैंने दो सैंडविचेस इसमें डाल दिया है और मैं इसे क्लोज़ करके यहाँ से लॉक कर दूँगी और फिर इसे मैंने किया ऑन ये देखिए ये जो रेड बटन है ये ग्रीन टर्न हो जाता है तो आपका सैंडविच कंप्लीट है अब ये देखिए मेरा सैंडविच बन गया है और देखिए ये कितना अच्छा ग्रिल हुआ है बिल्कुल बाहर जैसे हम खाते हैं वैसे ही तो अब मैं धीरे से इसको मुझे थोड़ा सा और ब्राउनिश कलर चाहिए अगर तो मैं इसे और थोड़ा सा बटर लगा कर बंद कर दूंगी दो मिनट के लिए दो मिनट होने के बाद मैं इसे फिर दोबारा खोलूँगी और ये मेरा सैंडविच बनकर कर रेडी है और ये सेकंड मेथड है जिनके पास ये सैंडविच मेकर नहीं है ये हैंड सैंडविच मेकर है ये आराम से मार्केट में मिल जाएगा आपको तो इसे भी मैं ऐसे ग्रीसिंग कर दूँगी बटर से एंड जो तो फिर अब मैं ऐसे ही ये जो स्प्रेड बचा हुआ है मैं इसे स्प्रेड्स कर दूंगी ऊपर जैसे मैंने सैंडविच मेकर के लिए किया था इसमें मैं वैसे ही ऐड करके इसे एक सैंडविच के रूप में बनाऊँगी और उसके बाद इसे भी ऐसे क्लोज करके मैं इसे जैसे उसकी शेप है ना वैसे ऐसे करके डाल दूँगी और इसे मैं बंद करके इसका भी एक लॉक होता है तो उसको आप लॉक नीचे से कर कर ऐसे टोस्ट कर सकते हैं तो ये देखिए मेरा सैंडविच बन के तैयार है फॉर सर्विंग तो चलते हैं अब सैंडविच खा लेते हैं तो आप बताइएगा कि आपको सैंडविच कैसा लगा प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए और शेयर कीजिए एंड ये मेरा चाय रेडी है तो मैं चाय इंजॉय करती हूँ